चैनल गाइस, आज मैं यहाँ पे धान की खेती कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो, और पीछे गन्ने की खेती है। पानी है, मैं पूरा टाइम से पानी पानी करने वाला हूँ, मजा आएगा। गाइस, ये आप जो देख रहे हैं कि धान जो है ये हमारा चावल है एक तरीके से, लेकिन इसकी अभी ये बेहन डाला हुआ है, इसे बीज बोलते हैं। और आगे देख रहे हैं थोड़ा बड़ा है, तो आपको बता देता हूँ ये जो पौधा है सिर्फ एक हफ्ते का है और इससे ज़्यादा दिन नहीं हुआ। और देख रहे हैं आप कि धान कैसे उगा हुआ है, इसके पौधे बहुत ही, देख रहे हैं आप कैसे ये पौधा उगा हुआ है और ये एक हफ्ते का है। और इसके आगे का जो बताया वो काफ़ी बड़ा है और उसे रोपा जाएगा। काफ़ी दिनों से इसके बीज पड़े हुए थे, इसकी सीजन आ गई है चावल की खेती का, तो मैं थोड़ा चल रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर मिट्टी नहीं है, मुझे नहीं चलना चाहिए था। तो पानी भरा हुआ है और इसे थोड़ा सा खाना चाह रहा है, फर्से से उधर से गोड़ रहे हैं ताकि इसमें ये धान लगा सके। बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे पापा है और खेतों में काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सीजन का जो होता है वही हम लोग करते हैं। काफ़ी मज़ा आता है, छोटे मोटे ये सारे बच्चे हैं ये। मैं इसे कब से रोक रहा हूँ तो देखो, तेरे दिमाग से वही पागल। ये सिद्धू है, ये सबको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये सिद्धू है और ये भी पानी का पूरा मजे ले रही है। ये तो पूरा हिले पूछ के ना एकदम रेस्ट हो गई, मैं क्या बोलूँ। ये देखो उसकी दूसरी फ्रेंड जो आतंकवादी है, ये कभी शांत नहीं बैठती, अपने वीडियो में देखा है। ये हमारी भाभी है, ये धान कर रही है, धान उपार रही है, मतलब ये इसकी बहन उपार रही है। और ये पटेल है, अरे पटेल कैसा लग रहा है आपको ये धान की खेती करते हुए? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन उतना भी नहीं, मज़ा आ रहा है ना, अभी आप भी करोगे तो पता चलेगा। तो ये कह रहा है कि मैं भी करूँगा तो पता चलेगा, तो ठीक है यार, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और खेतों में मट्टी सट लगे, उसे मट्टी मेरे फूल लग चुकी है और ठीक है चलिए थोड़ा कर लेते हैं, वहाँ पे अंधेरा दिख रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये खेती है, अभी थोड़ा समय मैं भी काम कर लेता हूँ। और ये सारा फील्ड है, मतलब मैदान है, क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम, इसमें धान लगाएंगे, बेहन रोपेंगे। काफी दम लग रहा है बिल्कुल। तो गाइस, ये रहा वो धान जो कि वहां से उपारा हुआ है और इसे पूरे और ये क्यारी है छोटा सा, ये तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा है। और इसके अलावा अदर जगह पे भी है जहाँ पे सारा रोपना है और तब चावल की पैदावार होगी। इसे कम से कम 3 से 5 महीने शायद इसको लगते होंगे, मुझे परफेक्ट नहीं पता है, कोई नहीं। देखिए ये हुई है, ये रिद्धि है हमारी, रिद्धि सुंदर थी, अभी हिले हिले हो गई है तो रुपये कर लेंगे और मेरे सारे खेतों में पूरा काम कर लेंगे। तो वो देखिए, और इसके बाद में यहाँ पे साहिल पटेल खन रहे हैं और मैं भी इसे खनने वाला हूँ और बहुत मज़ा करेंगे, मज़ा करेंगे गाइस, और कोई चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। चल
गाइस ये देखिए ये अपनी मिट्टी को इस तरीके कॉम्पिटिशन में नहा के बाबू नहा यार अबे हगा नहीं आ जाती कहीं ना गाइस ये बहुत फनी है करना बहुत आसान है मुझे लगता है ऐसा थोड़ा और काम कर लूँ तो मालूम पड़ेगा कि आसान है या मेहनत है। इसका जड़ है ना वो डबल है काफी बड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूँ। रियल में दोस्तों मेकअप करना आसान है बट खेती करना थोड़ा मुश्किल है। मैं काफ़ी मेहनत करूंगा और इस साल जो धान की खेती है ना उसे ज़रूर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये खेती कैसी लगी और ये